अगर आप अपने होम गार्डन के अंदर लौकी को ट्राई करते हैं और लौकी लगाने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर आपकी लौकियाँ झड़ जाती हैं यानी कि पौधा बड़ा हो जाता है, लौकी का फूल जैसे ही आता है वो काला होके ड्रॉप हो जाता है, या लौकी छोटे साइज़ की होती है, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। मैं आपको गमले में लौकी उगाने का टॉप सीक्रेट राज बताऊंगी, जिससे कि आपके घर में भी ऐसी फ्रूटिंग होगी जैसे कि मेरे घर में होती है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये है मेरे लौकी का पौधा, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ ले रहा है। और लौकी को के पौधे को उगाने के लिए कुछ सीक्रेट टिप्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लौकी के पौधे को सबसे पहले एक बड़े ग्रो बैग में लगाना चाहिए, यानी कि 24 बाई 24 का ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने लौकी का एक पौधा लगाया है, साथ में तोरी का एक पौधा लगा रखा है मैंने। और अगर बात करें इसकी मिट्टी की, तो लौकी के लिए मिट्टी बनाने के लिए आपको 50% गोबर की खाद और 50% गार्डन सॉइल से इसकी ग्रो बैग को भरना होगा। आपको ग्रो बैग को पूरा नहीं भरना होगा, ग्रो बैग को आपको, देखिए मैंने इतनी जगह, मेरी इतनी जगह बाकी है तो मैंने इतना ग्रो बैग खाली छोड़ रखा है, क्योंकि मुझे टाइम टू टाइम इसके अंदर खाद डालनी होगी। तो ऊपर तक आपको ग्रो बैग को नहीं भरना। अभी ये पौधा छोटा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पत्ती, इस पत्ती को मैं निकाल दूंगी। लौकी के 1 से 1.5 फीट तक एक भी पत्ता नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्रांच नहीं होनी चाहिए, उससे आपका लौकी का पौधा यहाँ से मजबूत होता है मेन स्टेम से और बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेता है। लौकी के पौधे के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग आते हैं, और फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा मात्रा में आएं और पॉलिनेट हों, उसके लिए आपको टाइम टू टाइम हर 15 से 20 दिन में एक बार गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को डालना होगा, जड़ों से थोड़ा दूर, जड़ों के पास नहीं। अगर जड़ों के पास आप डालेंगे तो जड़ें कट सकती हैं और पौधा मर सकता है। और जब पौधा आपका, अभी ये पौधा 2 फीट का है, अगर पौधा आपका 4 से 5 फीट तक का होने लग जाए तो आपको डायरेक्ट खाद को नहीं डालना, आपको मिट्टी में खाद को मिक्स करके डालना है और मिट्टी से रिफिल करना, यानी कि मिट्टी में थोड़े से पोर्शन आप खाद का डालेंगे और मिट्टी ही वो डायरेक्ट जो सोल्यूशन होगा मिट्टी और खाद वाला, उसको आपको ग्रो बैग में डालना है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ खाद डाली और आपने गुड़ाई करने की कोशिश की तो आपका पौधा मर सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा इस ग्रो बैग में स्प्रेड हो जाएंगी और जड़ें कटने का डर रहता है। बड़ा ग्रो बैग हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जब छोटा ग्रो बैग लेंगे तो उसके अंदर हरियाली तो जरूर मिलेगी लेकिन फूल नहीं आएगा, कोई लौकी में फल नहीं आएगा, क्योंकि लौकी का पौधे की जो जड़ें होती हैं उसको विकसित होने के लिए ज़्यादा जगह की जरूरत होती है। जितना बड़ा ग्रो बैग होगा उतनी अच्छी वो फ्रूटिंग देगा। आपने देखा होगा लौकी का पौधा लोग ज़मीन पर लगाते हैं और वो दूसरों के घर तक पहुंच जाता है और ढेर सारी फ्रूटिंग करता रहता है। तो हम करते हैं टेरेस गार्डनिंग। टेरेस गार्डनिंग करने के लिए हमें लौकी के पौधे को एक बड़ा बड़ा ग्रो बैग देना होगा, जिससे कि हम उससे अच्छी अच्छी से अच्छी फ्रूटिंग ले सकें। बात आती है कि लौकी के पौधे में जब फल लगते हैं तो वो सूख क्यों जाते हैं और ड्रॉप क्यों हो जाते हैं, या लौकी छोटे साइज की क्यों हो जाती है? तो उसका रीज़न ये होता है, जब लौकी की पौधे के अंदर फल लगने स्टार्ट होते हैं तो लौकी के पौधे के अंदर फ्रूट फ्लाई का अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। अब इस फ्रूट फ्लाई से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी मसलिन क्लॉथ लेना होगा, कोई भी कपड़ा लेना होगा और जो भी फल आ रहा है उसको आपको उस कपड़े से कवर कर देना होगा, जिससे कि जो फ्रूट फ्लाई है वो अपने डंक उस फल के अंदर ना डाल सके। क्योंकि जो फ्रूट फ्लाई होती है उसको छोटे फल के अंदर अंडे देना ही अच्छा लगता है, तो आपको छोटे फलों को अब फ्रूट फ्लाई के अटैक से बचाना होगा। क्योंकि फ्रूट फ्लाई जब अटैक कर देती है तो उसी कारण से फल है वो झड़ने लग जाता है, कई बार आपने देखा होगा येलो हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो यही वजह होती है। साथ में जब आप बेलदार पौधे लगाएं तो इस टाइप का आपको फ्रूट फ्लाई ट्रैपर जरूर लगाना होगा। ये ट्रैपर के अंदर एक ऐसी स्मेल आती है जो कि फीमेल फ्लावर्स में स्मेल आती है, तो जो फ्रूट फ्लाई होती है वो जो आप यहाँ होल देख रहे हैं यहाँ से इस ट्रैपर के अंदर जाती है, यहाँ पर इसका एक सोल्यूशन लगा होता है, उसको खाने के लिए जाती है और इसी ट्रैपर के अंदर वो फंस जाती है। फल होता है, छोटा सा फल होता है पौधे का, वो फ्रूट फ्लाई के अटैक से बच जाता है। लौकी के पौधे की दो खाद बहुत फेवरेट होती है, एक तो नाइट्रोजन वाली खाद, दूसरी पोटैश। पोटैश डालने से लौकी का पौधे का जो फल है वो बहुत ही टेस्टी होता है और बड़े आकार का होता है और फीमेल फ्लावर्स उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। नाइट्रोजन के लिए आप वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का यूज़ कीजिए। पोटेशियम के लिए आप थोड़ी सी एक मुट्ठी राख
24x24 की ग्रो बैग में डालिए 15 दिन में एक बार, तो आपका पौधा बहुत ज़्यादा फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करेगा और बहुत ही जल्दी फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट होके अच्छे से हेल्दी ग्रोथ लेंगे। किसी भी बेलदार पौधे के लिए, लौकी के लिए, जैसे कि पानी का होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी के अंदर हमेशा पानी, नमी अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, उससे पौधे के जो फूल होते हैं वो झड़ते नहीं हैं और पौधा हमेशा खिलखिलाता रहता है, क्योंकि इस पौधे को पूरी तपती 40 डिग्री की धूप में खड़े रहना होता है। तो पानी को आप शाम को डालिए, जिससे कि आपका पौधे के अंदर नमी हमेशा बनी रहे। तो ये थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किए। पॉइंट नंबर 1 कि आपको ग्रो बैग का साइज़ बड़ा लेना है, अच्छे से न्यूट्रिशन रिच मिट्टी बनानी है, टाइम टू टाइम उसके अंदर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, वेस्ट कंपोस्ट को डालना है, बीच बीच में आपको लकड़ी की खाद को डालना है, लेकिन ज़्यादा नहीं, जस्ट एक मुट्ठी अगर 24x24 का गमला है, और पानी की मात्रा को कंट्रोल में डालना है, यानी कि पानी की मात्रा इतनी होनी चाहिए जिससे कि आपकी मिट्टी सूखे नहीं। बड़ा होने लग जाए तो उसके अंदर ज़्यादा गुड़ाई मत कीजिए, पौधे की जड़ें डैमेज हो जाती हैं, लौकी का पौधा मरने लग जाता है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि मैंने आप सबसे शेयर की। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके घर में भी ढेर सारी लौकी की फ्रूटिंग होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।